सत श्री अकाल दोस्तों, बुटर होम्यो केयर दे यूट्यूब चैनल विच तुहाडा फिर तो स्वागत है। तुसी अपने फ्रेंड सर्कल विच जां सोसाइटी विच विचरदिआं होइआं सियाटिका जां रीह दे दर्द बारे जरूर सुनिआ होवेगा। अज आपां डिस्कस करांगे कि सियाटिका जां रीह दा दर्द की हुंदा है, इस दे की लक्षण जां सिम्पटम हुंदे हन, इस दा डायग्नोसिस किवें हुंदा है और सियाटिका दा होम्योपैथी विच इलाज किवें हो सकदा है। तां आओ फिर आपां शुरू करदे हां। दोस्तों, सियाटिका एक बहुत ही तेज अते असह किस्म दा दर्द हुंदा है जो कि पिठ दे हेठले हिस्से तो शुरू हो के लत विच जांदा है। इत्थे एक गल बड़ी महत्वपूर्ण है कि सियाटिका अपने आप विच कोई बीमारी नहीं है, सगों इह बैक प्रॉब्लम दा एक अजिहा लक्षण है जो कि साडे स्पाइनल नर्वस ते प्रैशर पैण कारण पैदा हुंदा है। आओ हुण आपां देखदे हाँ कि सियाटिका होण ते मरीज विच किहड़े लक्षण जां सिम्पटम प्रगट हुंदे हन। सियाटिका दे मरीज नूं एक बहुत ही तेज अते असह किस्म दा दर्द हुंदा है जो कि पिठ दे हेठले हिस्से तों शुरू हो के लत दे पिछले पासे राहीं पैर तक जांदा महसूस हुंदा है। दर्द दी तीव्रता इन्नी ज़्यादा हुंदी है कि मरीज नूं चलना, फिरना, उठना, खड़ना आदि बहुत मुश्किल हो जाता है। सियाटिका दा पेन आम तौर ते एक लत विच ही हुंदा है, परंतु रोग दी बदी हालत विच इह दोवें लत्तां विच भी हो सकता है। दर्द दे नाल मरीज नूं लत विच सुन्नपन जां खिचा जिहा महसूस हुंदा है। सियाटिका दा पेन सूइयां दे चुभण वांग जां जिवें साडी स्किन ते किसी ने शार्प नाइफ दे नाल कट लगाया होवे उस तरह दा दर्द महसूस हुंदा है। दोस्तो, थोड़ी जिही भी हरकत करन नाल, डूंघा साह लैण नाल, खंघण छिकण नाल दर्द वध जांदा है। हाँ, लेटण ते मरीज नूं कुछ राहत महसूस हुंदी है। जेकर मरीज सियाटिका दे बीमारी दा सही इलाज नहीं करवाउंदा जां ढुकवां परहेज नहीं रखदा तां इह दर्द उसनूं बार बार परेशान करदा है। इह सियाटिका जां रीह दा दर्द हुंदा क्यों है, आओ आपां हुण देखिए। दोस्तो, सियाटिका दे पेन दा मुख कारण डिस्क दी प्रॉब्लम, जिसनूं मैडिकली असीं स्पाइनल डिस्क हरनीएशन कहिंदे हां। सियाटिक नर्व ते प्रैशर पैण कारण इह दर्द महसूस हुंदा है। लगभग 90% केसां विच सियाटिका पेन दा मुख कारण डिस्क दी बीमारी ही है। इस तों इलावा पिठ दी सट भाव बैक इंजरी नाल भी सियाटिका पेन हो सकता है। स्पाइनल स्टीनोसिस जां कोई यही सोज जिस दे नाल दो डिस्कां दे विच स्पेस घट जांदी है अते स्पाइनल नर्व्स ते प्रैशर पैंदा है, उस नाल भी सियाटिका दा दर्द उठ सकदा है। अगे हुण आपां देखांगे कि सियाटिका जां रीह दे दर्द दा मैडिकली डायग्नोसिस किवें करिए। दोस्तों, सियाटिका दे दर्द दा डायग्नोसिस मरीज दे लक्षणां, क्लिनिकल साइंस एंड सिम्पटम्स दे आधार ते कीता जांदा है। इस तों इलावा मरीज नूं बैक दी MRI स्कैन जरूर करवा लेनी चाहीदी है तां जो सियाटिका दे सही कारण दा पता लग सके। हुण तक आपां देखिआ कि सियाटिका जां रीह दा दर्द की हुंदा है, उह क्यों हुंदा है, उस दे की सिम्पटम जां लक्षण हुंदे हन अते उसदा डायग्नोसिस किवें हो सकदा है। हुण आपां जाणांगे कि सियाटिका पेन दा ट्रीटमेंट किवें हो सकदा है। दोस्तो, एलोपैथी विच सियाटिका दे इलाज लई पेन किलर्स,
स्टीरॉयड इंजैक्शनस या फिर सर्जरी की हैल्प ली जाती है, परंतु फिर भी मरीज को टेंपरेरी लाभ ही प्राप्त होता है। होम्योपैथी में सियाटिका पेन का इलाज हो सकता है। होम्योपैथी में कई ऐसिया मेडिसन हैं जो कि इस बीमारी के इलाज लिए इफेक्टिव हैं, जिमें कि अमोनिया म्यूर का दर्द खास तौर पर खब्बे पासे होता है, जो कि बैठन से वधदा है अते लेटन से मरीज को आराम महसूस होता है। दर्द की तीव्रता तेज होती है। टेल्यूरियम सज्जे पासे की सियाटिका की मुख मेडिसन है। थोड़ा जहा भी खंघन तुरन फिरन नाल दर्द बढ़ जाता है। जेकर मरीज दर्द वाली साइड ते लेटदा है तां भी उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। मैगनीशिया फॉस 6x, जेकर दर्द बहुत ज़्यादा होवे अते बारी सेक जां गरमैश दे नाल मरीज नूं आराम महसूस हुंदा होवे तां इह दवाई बहुत इफेक्टिव है। इस दवाई दियां 4 गोलियां थोड़े जिहे कोसे पानी विच मिला के दिन विच 4 बार दित्तियां जा सकदियां। नेफलियम विच तेज दर्द दे नाल नाल लत विच सुन्नपन महसूस हुंदा है। दर्द चलन फिरन नाल वधदा है, परंतु बैठन ते मरीज नूं आराम महसूस हुंदा है। जेकर इह सिम्पटम मैच करते हैं तो नेफलियम दिती जा सकती है। कोलोसिंथ खास तौर पर सज्जे पासे की सियाटिका लई मुख दवाई है। मरीज को बारी मालिश करन नाल जां लत कटवाउन नाल आराम महसूस हुंदा है। थोड़ा जिहा भी तुरन ते दर्द बढ़ जाता है। गुआयाकम विच दर्द दे नाल मरीज नूं लत विच खिचाव महसूस हुंदा है। बारी सेक देण नाल जां गरमैश नाल दर्द बढ़ जाता है। तां इह दवाई दियां 10 बूंदा थोड़े जिहे पानी विच मिला के दिन विच 3 बार दित्तियां जा सकदियां। दोस्तों, किसी भी बीमारी विच होम्योपैथिक दवाई दी सिलैक्शन लई मरीज दे सिम्पटम एनालाइसिस किया जाता है। जेकर सिम्पटम एनालाइसिस सही है तां उस दवाई नाल मरीज नूं बहुत लाभ प्राप्त हुंदा है। जेकर सिम्पटम एनालाइसिस ही गलत है तां मरीज नूं होम्योपैथी नाल कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुंदा अते बाद विच मरीज ये कहिंदा है कि होम्योपैथी जां होम्योपैथिक दवाइयां कम नहीं करदियां, परंतु इस विच कसूर होम्योपैथी दा नहीं बल्कि होम्योपैथी दे नियमां नूं सही ढंग नाल फॉलो ना करन दा है। इसलिए तुहानूं सही होम्योपैथी दा लाभ लैण लई माहर क्वालीफाइड डॉक्टर तों ही अपना इलाज करवाउणा चाहीदा है। दोस्तों, सियाटिका दे मरीज नूं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे नालों नाल कुछ सावधानियां जां परहेज भी रखने बनते हैं, जिमें कि रोग की बदी हालत विच मरीज नूं बैड रेस्ट करना चाहीदा है तां जो छेती ठीक हो सके। सियाटिका पेन दे ठीक होने तो बाद मरीज नूं भार चुकन जां जोर दा काम नहीं करना चाहीदा। मरीज नूं लगातार बैठना नहीं चाहीदा। जो व्यक्ति सिटिंग जॉब भी करते हैं उन्हां नूं भी हर एक घंटे बाद 5 to 10 मिनट लई हल्का जिहा टहल लेना चाहीदा है। जेकर बैठना लगातार जरूरी हो गया होवे तां मरीज नूं बैक दे पिछे पिलो दी सपोर्ट लेनी चाहीदी है जां फिर चेयर ते ही बैठना चाहीदा है। स्कूटर मोटरसाइकिल चलाउण वेले सावधानी रखनी चाहीदी है तां जो बैक नूं जरक ना लगे। दोस्तो, मैं उम्मीद करदा हाँ कि तुहानूं इह वीडियो बहुत पसंद आई होवेगी। तुसी इस नूं वध तों वध लाइक करो, सबसक्राइब करो, शेयर करो तां जो होरनां नूं भी सियाटिका जां रीह दे दर्द दे बारे विच ये जानकारी प्राप्त हो सके।